लेकिन यहाँ पर एक अवकाश प्राप्त शिक्षक हमारे साथ मौजूद है, आइए हम इनसे मिलवाने का प्रयास करेंगे। और आजकल के जिस तरीके से टीचर मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं उनसे कुछ अलग पढ़ाते हैं, और इन बहुत जो कि मतलब पुरस्कार हासिल कर चुके हैं, यहाँ तक कि ये उपराष्ट्रपति से भी पुरस्कार हासिल कर चुके हैं। और इनका जो पढ़ाने का तरीका देखकर तमाम यहाँ के कलेक्टर डीएम बहुत सारे लोग इनके जमाने में इनको सम्मानित किए। चलिए हम इनके तौर तरीके दिखाते हैं पढ़ाने का। देख सकते हैं अभी ये जो कि अभी एक उर्दू का कुछ शब्द लिखे हैं और ये अपने माध्यम से बच्चों को किस तरीके से पढ़ाते हैं, चलिए हम इनसे सुनने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले अपना सिर्फ नाम बता दीजिए। मेरा नाम ललन माझी, पूर्व प्रधानाध्यापक, राजकीय उत्कर्मित मध्य विद्यालय जुड़कन। अभी आपको मतलब ये जो पढ़ा अभी आप जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कब से ये तौर तरीका अपनाए हैं बच्चों को पढ़ाने का? मैं बहुत पहले से 90 से हमने सोचा कि रुचिकर पाठ बढ़ाने के लिए गीत के माध्यम से पढ़ाएंगे तो बच्चे रुचि लेकर और उनको सीखने में बहुत सहूलियत होगी, वो जान जाएंगे। इसके बारे में थोड़ा दो शब्द बताइए संक्षिप्त में। हाँ, इसके बारे में मैं जब प्रधानाध्यापक पद पर था तो मैंने सोचा कि हमारे हमको बहुत सम्मान मिला है, हम पर बिहार सरकार फिल्म बनाई है, एसीआरटी के निदेशक एनएन पांडे हम पर फिल्म बना करके पटना में 500 रुपये का पुरस्कार दिए। कितना सन में आपको 500 रुपये का पुरस्कार दिए? सन 2002 की बात है। उस समय 500 का कितना महत्व था? अब उस समय आप मिलाइए कितना महत्व था, मैंने 500 का हमारा तनख्वाह उस समय बुझे कि 600 रुपया तनख्वाह है था। मतलब 600 रुपया में एक महीना आप काम करते थे, एक महीना पढ़ाते थे ना? और हमको 500 रुपया सम्मानित किए पटना में। चलिए इसे ये पढ़ाइए, बच्चों को पढ़ाइए, समय बहुत कम है। अलिफ बे पढ़े ला बाबू, रुक जाइए थोड़ा, रुक जाइए बस 2 मिनट, रुक जाओ बस 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। आज बराबर बराबर ही काम नहीं होगा, 5 मिनट बाबू, 5 मिनट अब बराबर, अब आने वाले नहीं है, ठीक है, 5 मिनट बैठ जाइए, बस 5 मिनट। अलिफ बे पढ़ लो बाबू, उर्दू पढ़े आई, पढ़िया दरूद सलाम हो। अलिफ बे पढ़ लो बाबू, उर्दू पढ़े आई, पढ़िया दरूद सलाम हो। अलिफ से अल्लाह से हरदम डेढ़ अलिफ से ईमान आपन बचैह, बे से बाबा के तू कहना में रही हो, पढ़िया दरूद सलाम हो। अलिफ बे पढ़ बाबू, उर्दू पढ़े आई, पढ़िया दरूद सलाम हो। पेसे पपीता फला हरदम तू खइह, तेसे तारे बुझ गर्मी में लइह, तेसे टमाटर कैसा लाद बनइह, पेट रही तोहार ठीक हो। अलिफ बे पढ़ बाबू, उर्दू पढ़े आई, पढ़िया दरूद सलाम हो। बेसे बुबू के साथ पढ़े तू जइह, लाम लाम नून से तू सबक सुनइह, लाम लाम नून ल ल न। बेसे बुबू के साथ पढ़े तू जइह, लाम लाम नून से तू पाठ सुनइह, से तोर सती
माता के गई हो ज्ञान बड़ी दिनो दिन हो। चलिए ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीका से अभी जो कि एक शिक्षक पढ़ा रहे हैं बच्चों को, और इनका जो कि मतलब कि उर्दू में भी ज्ञान है। आपका पूरा नाम क्या पड़ेगा? ललन मांझी। ललन मांझी हैं और ये कड़ी मेहनत के बाद खुद से मतलब कि उर्दू सीखे हैं, ना ही इनको कोई सिखाया है। तो बहुत अच्छा लगा आज हमें इनसे मिलकर, और आप सभी को कैसा लगा कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। और ऐसे शिक्षक को तमाम जिलों में जाकर हम चाहते हैं कि हर स्कूलों में मतलब बच्चों को ऐसे ऐसे मतलब कि गाना गाकर जैसे पढ़ा रहे हैं पढ़ाया जाए। माननीय यहाँ के जो भी DM साहब है, जो भी यहाँ के जो जो बड़े अधिकारी हैं शिक्षा विभाग के, उनको मतलब कि हम चाहते हैं कि इनको जाकर हर शिक्षक मतलब हर विद्यालय में इनका जैसे पढ़ा रहे हैं वो पढ़ाया जाए। बाकी आप लोग इस वीडियो को खूब सारा शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।